अभी हमें वैक्सीन मिल गई है और हमें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन जो है वो दी गई है। तो दोस्तों फाइनली एक गुड न्यूज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने वैक्सीनेशन का जो है वो मैंने अप्लाई कर दिया और वो एक्चुअली में अपॉइंटमेंट भी मैंने ले लिया है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद पुणे में मैंने ये औंध हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है औंध में, उसमें 18-44 का जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंने ले लिया है। प्रीफर्ड टाइम स्लॉट मैंने रखा है 12 बजे से 3 बजे तक। बाय द वे दोस्तों, अगर आप पुणे में से हो या तो महाराष्ट्र में से हो तो मेक श्योर करना कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो शाम को 5:30 बजे से लेके 7:30-8 बजे तक जो है वो हॉस्पिटल्स जो है वो कोटा रिलीज़ करती है। तो इस टाइम पे आप ज़रूर से चेक करते रहिए कि वैक्सीनेशन का जो डेट है वो आपके लिए अवेलेबल है या नहीं। बाय द वे आई जस्ट नोटिस कि मेरे ये ग्लास पे कुछ लग गया है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड आज हम थोड़ा जल्दी तैयार हो चुके हैं। अभी 11 बजे का टाइम हुआ है और हम रेडी है। हाँ, बिकॉज एज मैंने आपको बताया था कि अभी जो हमारा वैक्सीनेशन है वो होने वाला है और वो उसका जो टाइम है वो 12 बजे का है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स जस्ट गो। बट याद रखना, जब बिफोर गोइंग फॉर अ वैक्सीनेशन खाना जो है वो ज़रूरी है। तो अभी नाश्ता मैंने कर दिया है, पोहा और चाय, और फिर खाना खा के अभी हम निकल चुके हैं। तो वहाँ पर जाके वैक्सीनेशन सेंटर पर मिलते हैं। तो दोस्तों अभी रेडी हो चुके हैं और टाइम हुआ है 11:25। सो लेट्स जस्ट गो। ओके, तो अभी हम जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट औंध हॉस्पिटल, जहाँ पे हमने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। और थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट है लेकिन सुई भी लगने वाली है। तो नहीं, मतलब मेरे को हमेशा थोड़ा सा मेरे को वो रहता है, सुई लगती है। तो ठीक है, अभी थोड़ा बहुत तो पेन लेना ही पड़ेगा। क्या बोलती है, किसी को पूछ ले क्या हम कि डिस्ट्रिक्ट ऑन द हॉस्पिटल कहाँ पे? पर एक बार पूछ ले तो अच्छा है, क्योंकि वो तो स्कूल का एड्रेस दिखा रहा था। एक बार पूछ ले। ओके, थैंक यू भैया। ओके, तो आई थिंक हम गलत एड्रेस पे आ गए, मतलब गूगल हमें गलत एड्रेस पे लेके आया। देखो आम कितने प्यारे हैं, यहाँ पे देखो आम है। आम बहुत प्यारे हैं, आपको दिख रहे नहीं दिखेगा पता नहीं, लेकिन बहुत प्यारे आम हैं। अभी हमें वैक्सीन मिल गई है और हमें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन जो है वो दी गई है और हमने औंध हॉस्पिटल में से करवाया। और अभी पता ही नहीं चला कि मतलब कब वैक्सीन दे दी उन्होंने, वो भी नहीं पता चला। तो अभी फाइनली वी बोथ आर वैक्सीनेटेड और फर्स्ट वैक्सीन का जो डोज है वो हो चुका है। अभी कुछ नारियल पानी पियेंगे, नारियल पानी तो बनता ही है तो नारियल पानी पियेंगे, नारियल पानी पियेंगे।
तो अभी मीडियम ट्रैफिक तो दिख रहा है यहाँ पे, और अभी हम वैक्सीन लगवा के घर की ओर जा रहे हैं। गाइज, अगर आपको मतलब वैक्सीन अगर मिल सकती है तो ज़रूर से वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। बाकी आप देख सकते हो, ये अभी हम येरवाड़ा जाने वाला जो रोड है वहाँ पे है, और ज़्यादा पब्लिक नहीं दिख रही है, लॉजिस्टिक वाले जो व्हीकल है वो ज़्यादा दिख रहे हैं। तो दोस्तों, वैक्सीन जो है उसको लगाए हुए 48 आवर्स हो चुके हैं, और हमें जो वैक्सीन दी गई थी वो थी कोवैक्सीन। और गाइस, यू नो, जनरली पहले जो 4 घंटे थे तो थोड़ा जो हाथ है वो दुख रहा था, जहाँ पे वैक्सीन दी थी वहाँ पे थोड़ा पेन हो रहा था, लेकिन फिर उसके बाद आई थिंक कोई पेन हुआ नहीं। डॉक्टर ने बोला था कि अगर आपको थोड़ा बहुत फीवर आता है या तो कुछ होता है तो आप यू नो पैरासीटामोल ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत टायर्डनेस पहले पहले रहती है, आपको नींद आती है, ऐसा कुछ होता है, टायर्डनेस रहती है। नमू को भी वैक्सीन लगाया था, नमू को भी सेम चीज़ थी, मतलब उसको थोड़ा टायर्डनेस थी, उसको थोड़ा सर में दुख रहा था, वो एडिशनल था, लेकिन उसने भी दवाई नहीं ली, उसने भी सोचा यू नो लाइक आराम कर लेते। आराम करने के बाद दोस्तों, पूरी मतलब पूरा नाइट आराम करने के बाद सुबह में वी फील रियली फ्रेश, और अभी 48 आवर्स हो चुके हैं, और यू नो लाइक हम एकदम परफेक्टली फाइन है, कहीं पे भी कोई भी पेन या फीवर या ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो देखो कैसा है कि थोड़ा बहुत तो साइड इफेक्ट रहता है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी लोगों को कि प्लीज़ 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 वैक्सीनेशन जो है वो करवाए। अगर वैक्सीनेशन आपके सेंटर्स में अवेलेबल है, आपके स्टेट में अवेलेबल है, आप ज़रूर से उसको करवाइए। मैंने डॉक्टर को भी पूछा कि यू नो लाइक ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन में क्या फ़र्क है, तो कोवैक्सीन जो है वो ऐसा है कि जो डेड वायरस होता है उसको हमारे बॉडी के अंदर एज अ एंटीबॉडी यूज़ किया जाता है टू मेक अ प्रैक्टिस, कि भाई जब हमारा जो पूरा सिस्टम है वो प्रैक्टिस करे उस फाइट करने का इन कोरोना सिचुएशंस के अंदर। और दूसरा जो है वो है एस्ट्राजेनिका का और कोविशील्ड जो है सीरम इंस्टीट्यूट ने जो बनाया है, वो जो है वो आरएनए रिलेटेड यू नो वायरस है, जो बेसिकली एज एन एंटीबॉडी काम करता है। तो दोनों थोड़े अलग अलग टाइप के हैं, जिसको थोड़ा टाइम लगता है, कोविशील्ड को थोड़ा और टाइम लगता है, और भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है उसको हम 24 डेज से लेकर 40 डेज के अंदर लगा सकते हैं। जो मेरा जो अपॉइंटमेंट डिटेल था उसके अंदर कोवैक्सीन का लिखा था कि आप 28 डेज के बाद दूसरा डोज ले सकते हो, और दूसरा डोज लेने के बाद यू नो जो चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाते हैं कि जहाँ पे आपको कोरोना से सीवियरिटी कुछ हो। तो मेरा सिर्फ एट लास्ट मेरा सिर्फ वही रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी वैक्सीन मिले, दोनों वैक्सीन सेम है, जो भी वैक्सीन आपको मिलती है आप वैक्सीन लगवाइए, बराबर है। और लेट्स मीट इन द नेक्स्ट ब्लॉग।